हाय, तो इस वीडियो में आप देखेंगे आप कैसे शेड पे वॉकवे, स्काईलाइट एंड टर्बो वेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो पहले हम अपनी रूफ बनाएंगे। रूफ बनाने के लिए हम अपना पॉलीगन टूल सेलेक्ट करेंगे और शेड को बनाएंगे। हम शेड को जल्दी से बनाने के लिए रूफ को मैप आउट कर लेंगे और उसके बाद हम उसको टिल्ट, एजिमुथ और हाइट दे देंगे। मान लीजिए आपकी रूफ की हाइट 8 मीटर है, आपने टिल्ट उसमें 8 डिग्री का दिया है और एजिमुथ पे आप क्लिक करने के बाद जिस डायरेक्शन में आपको बिल्डिंग का झुकाव देना है आप उस एजिमुथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमने एजिमुथ को सेलेक्ट किया और हमने उसको अपडेट कर दिया। इसके बाद हम अपना फिर से पॉलीगन टूल सेलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगुलर वेंट को बनाएंगे। उसको बनाने के लिए आपको पॉलीगन टूल ही यूज करना है और जहां पे वो है उसको बना देना है। अब आप उसकी हाइट को डिफाइन कर दीजिए, उसकी हाइट कितनी है। मान लीजिए हमारी रेक्टेंगुलर वेंट की हाइट 0.3 मीटर है और हम उसको सेम टिल्ट देंगे जितना हमने टिल्ट अपने रूफ को दिया है और हम उसको वही एजिमुथ भी देंगे और फिर अपडेट कर देंगे। इसके बाद हमें पता है यहाँ पे सर्कुलर वेंट्स भी हैं। अब उन्हें बनाने के लिए हम अपना सिलेंडर टूल यूज करेंगे। इसको बनाने के लिए पहले हमने अपना सिलेंडर टूल यूज किया। इसमें अगर आपको करेक्ट रेडियस पता है तो आप टैब क्लिक करके अपने कीबोर्ड से करेक्ट रेडियस भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके रेडियस 0.5 है तो आपने 0.5 डाला और उसे अपडेट कर दिया। इसके बाद हमें पता है कि आपको अभी चार, अगर हम इस रूफ की बात करें तो आपको चार और वेंट्स प्लेस करने हैं। प्लेस करने के लिए आपने इसको कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसके बाद हमारे रिपीट टूल फीचर से आपने कीबोर्ड से आर क्लिक किया। आपको नीचे रिपीट काउंट सेक्शन मिलेगा जहां पे आप अपनी वैल्यू डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे अभी चार और वेंट्स प्लेस करने हैं तो इसके लिए आप 4 क्लिक करेंगे तो आपके पास चार वेंट्स आ जाएंगे जिन्हें आप अपने जगह पे प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के बाद अगर हम एक बार 3D में देखें तो आपका 3D में मॉडल ऐसा लगेगा। इसके बाद हम अगर हमें अपनी स्काईलाइट प्लेस करनी है तो उसके लिए आप पॉलीगन टूल बनाएंगे और उसके बाद आप अपनी एक स्काईलाइट जहां पे आपको पता है आपकी स्काईलाइट है उसको बना लेंगे। बनाने के बाद आप उसको हाइट देंगे 0.01। इसके बाद हम उसे सेम टिल्ट देंगे जितना हमने अपने रूफ को दिया है और सेम एजिमुथ और फिर हम उसे अपडेट कर देंगे। अब हमें पता है जो स्काईलाइट है वो आगे बहुत सारी हैं और वो रिपीट हो रही हैं। इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से पहले हम आर क्लिक करेंगे और रिपीट काउंट में 10 संख्या डाल देंगे। अब 10 डालने के बाद आपके पास बहुत सारी स्काईलाइट्स आ जाएंगी जिन्हें आप एक साथ कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के बाद आपको अगर हम 3D मॉडल में दिखाएं तो स्काईलाइट ऐसे दिखेंगे। वॉकवे प्लेस करने के लिए आप पॉलीगन मॉडल टूल में जाके वॉकवे को सिलेक्ट करिए और कोई भी जगह से सिलेक्ट कर लीजिए जहां से आपको अपना वॉकवे प्लेस करना है। आपने उस जगह को सिलेक्ट किया, जब आप दूसरी जगह पे अपना पॉइंटर प्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही स्नैप होगा 90 डिग्री पे ताकि आपको दूसरी जगह प्लेस करने में दिक्कत ना आए और वो परपेंडिकुलर हो। अगर हम आपको 3D में दिखाएं तो ऐसे आपका वॉकवे प्लेस हो जाएगा। अब पैन प्लेसमेंट करने के लिए हम अपनी बड़ी रूफ को सिलेक्ट करेंगे और फिल फेस पे क्लिक करेंगे जिसके बाद हमारा पैन प्लेसमेंट उस रूफ पे हो जाएगा। अगर हम आप 3D में देखें तो वॉकवे, स्काईलाइट और सर्कुलर वेंट्स लगने के बाद हमारा पैन प्लेसमेंट कुछ ऐसा है। धन्यवाद।